प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वे फूट फूट कर रोते दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि लंबी पूछताछ के बाद बालाजी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले मंत्री को बेचैनी की शिकायत के कारण शहर के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां वे दर्द से रोते हुए दिखे। उन्हें दिन में एक विशेष अदालत में पेश किया जा सकता है, जहां एजेंसी उनकी हिरासत का अनुरोध करेगी। ईडी ने धन शोधन के एक मामले की जाँच के सिलसिले में करूर जिले के तालुक रखने वाले द्रविड़ मुनेत्र कशगम के गद्दावर नेता बालाजी से जुड़े परिसरों पर मंगलवार को छापेमारी की थी। उच्चतम न्यायालय ने बालाजी के खिलाफ कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले में पुलिस और ईडी को जांच की अनुमति दी थी, जिसके कुछ महीने बाद यह कार्रवाई की गई। इसके पहले बालाजी ने बेचैनी होने की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन सहित राज्य के कई मंत्री अस्पताल पहुंचे। इस बीच केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान को अस्पताल में तैनात किया गया। राज्य के मंत्री पी के शेखर बाबू ने दावा किया कि ऐसे लक्षण दिखे हैं जिसे लगता है कि बालाजी को प्रताड़ित किया गया है। बाबू ने पत्रकारों से कहा कि सेंथिल आईसीयू में है, वह उचित अवस्था में थे और जब उनका नाम लेकर पुकारा गया तो उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह डॉक्टरों की निगरानी में है, उनके कान के पास सूजन है। चिकित्सकों का कहना है कि ईसीजी में उतार चढ़ाव है, ये सभी प्रताड़ित किए जाने के लक्षण हैं। वहीं टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है वीडियो में शहर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाए जाने के दौरान बालाजी असहज नजर आ रहे थे। अस्पताल पहुंचे राज्य के कानून मंत्री एस रघुपति ने बालाजी के घर पर घंटों तक ईडी की छापेमारी पर सवाल उठाए।